पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में लड़की से रेप के बाद उसे जिंदा जलाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर आज बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पहले आप देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट जिसमें बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल के साउथ दिनाजपुर जिले से वह खौफनाक वाक्य सामने आया था जिसने एक बार फिर से पिछले साल नवंबर में हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसको जलाकर मारने की घटना को ताजा कर दिया है। यहां पर 18 वर्षीय एक युवती को कथित तौर पर गैंगरेप कर 3 लोगों ने जिंदा जला दिया। कुमारगंज पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि हमने इस घटना को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनकी उम्र 20 से 22 साल के बीच है। आगे की जांच की जा रही है। अभियुक्तों की पहचान महबूब मियां, गौतम बर्मन और पंकज बर्मन के तौर पर हुई है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि महबूबा का उस लड़की के साथ अफेयर था। पुलिस ने बताया कि रविवार को महबूब ने लड़की से कहा कि वो उसके शाम करीब 5 बजे आकर मिले। उसके बाद पंकज और गौतम भी बाद में आ गए। तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ कथित तौर पर करीब 4 घंटे तक बलात्कार किया। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो आरोपियों ने रात में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पूरा के पूरा ममता बनर्जी का पूरा के पूरा शासन में पूरा के पूरा कुछ भी नहीं है, हिटलरी शासन चल रहा है। अभी जो दोषी है उसका भी साझा नहीं होगा। अभी हम लोग चाहते हैं इसमें सीबीआई जो इंक्वायरी है, हम लोग सीबीआई मांगते हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं जब पैसा देकर पूरा के पूरा ये जो केस हो रहा है इसको पूरा के पूरा एकदम दबा देने के लिए दबाने का कोशिश कर रहे हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।